नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अलका क्रिएटिविटी में। इन प्लास्टिक की बोतलों को कबाड़ समझ के फेंकिए नहीं, ये बड़े काम की चीज़ हैं। इनसे आज हम बनाएंगे एनिमल प्लांटर। आप चाहें 2 लीटर की बोतल से बनाना चाहें या 1 लीटर की से, मैंने 1 लीटर की बोतल को यूज़ किया है। दोनों बोतल पे से मैंने पहले कागज़ को हटा दिया है और इनको अब मैं निशान लगाऊंगी। इस तरह से मार्कर से निशान लगा सकते हैं, मेरा मार्कर चल नहीं रहा, मैं इसलिए ब्लैक स्केच पेन से निशान लगा रही हूँ। 2 इस तरह पहले बराबर लाइन बनानी है, उसके बाद इसके किनारे से नीचे एक छोर से लेके दूसरे छोर तक हमें बोतल घुमा के निशान लगाना है। इस तरह से जैसे मैं बना रही हूँ, देखिए इस तरह से। इसके बाद हम दूसरे लाइन पे टच कर देंगे, फिर ऊपर वाली लाइन को भी हम इसी तरह बोतल को गोल घुमा के एक लाइन एक किनारे से दूसरे किनारे तक निशान लगाएंगे। इस तरह से देखिए, ये आप इसको गर्दन समझ लीजिए जो बीच में 2 लाइन बराबर हैं। उसके अपोजिट में हम कान बनाएंगे ऊपर की तरफ, इस तरह से। अभी मैं बना रही हूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब कट करूँगी उसके बाद आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि क्या करना है। इसी तरह दूसरी बोतल पे भी मैं निशान लगा रही हूँ, 2 लाइन बराबर खींची हैं और बोतल को घुमाकर एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक हम इन लाइनों को ले जाएंगे और इसके अपोजिट में हम 2 कान ड्रॉ कर लेंगे। दोनों बोतलों पे मैंने निशान लगा लिए हैं। अब कटर की मदद से मैं इसको कट करूँगी। आप इसको चाकू गर्म करके भी काट सकते हैं, जितना कट हो उतना कट लेंगे। उसके बाद जो कान में हमने शेप देना है वो कैंची की मदद से हम उसको शेप देंगे, कुछ इस तरह से। देखिए कान कट के हो गए हैं और इसकी गर्दन इस तरह। एक प्लांटर की गर्दन मैंने थोड़ी फोल्ड करके छोटी करी है और तार से इस तरह उसको कस दिया है ताकि वो थोड़ी गर्दन इसकी ऊपर रहे, और दूसरे प्लांटर को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है लंबी गर्दन बना के। देखिए जो तार लगाई है वो इस तरह हो गई और जो छोड़ा है लंबी गर्दन वाला वो इस तरह से हो गया है प्लांटर। अब इस पर हम कलर करेंगे। मैंने फेविक्रिल के येलो, वाइट और ब्लैक कलर लिए हैं। बारिश का मौसम है तो कलर जल्दी नहीं सूखेगा, इसलिए मैं 2 कोट नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा टेल्कम पाउडर मिलाकर इस पर कलर किया है। देखते हैं कैसी फिनिशिंग आई है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इस पर डबल कोट करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी। देखते हैं, पूरा कलर होने के बाद ही पता चलेगा कि क्या करना है। आप सभी ने पिछली प्लांटर वाले वीडियो को भी अपना बहुत प्यार दिया। अगर आपको इसमें से मेरे प्लांटर अच्छे लगें तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए। इसी तरह मेरा साथ दीजिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए। पाउडर मिलाने के बाद मुझे इस पर डबल कोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और अब मैं कर रही हूँ इस पर स्केच पेन से कुछ डिटेलिंग फेस की, और बॉडी पे भी मैंने ब्लैक कलर से कुछ डिटेलिंग कर ली है। स्केच पेन से डिटेलिंग करने के बाद कलर करने में बहुत आसानी होती है, कुछ गलत नहीं होता। फेस पे डिटेलिंग कर ली है, अब मैं वाइट और ब्लैक कलर से अब मैं ब्रश 0 नंबर के ब्रश से आँखों पर कलर करूँगी। ये मैं आँखों में पहले वाइट कलर कर रही हूँ, उसके बाद ब्लैक से इस पर कलर करूँगी। और मार्कर से भी आप इसको कर सकते हैं, मगर मैं ब्रश से कर रही हूँ कलर के साथ। आप अपनी मर्जी से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको सुविधाजनक लगे। ये देखिए इसका आँख बन के तैयार है, कानों पे भी कुछ मैं डिटेलिंग कर दे रही हूँ। जो आपको अच्छा लगे करना आप कर सकते हैं, अपनी अपनी क्रिएटिविटी है, जैसे आपका दिल करता है वैसे करते जाएं। और कोई इसकी वो नहीं है कि हमने ऐसा ही बनाना है, आपका जो दिल करते जाए बस बनाते जाइए। ये मैंने फेस पे डिटेलिंग कर ली है, अब देखिए कुछ इस तरह से। इसके मुंह को भी मैंने रेड रंग से कलर कर दिया है। गर्दन हिलाते ये प्लांटर कितने अच्छे लगते हैं, जैसे हमें बुला रहे हों, हाँ हाँ कह रहे हो हर बात पर। चलिए एक प्लांटर रेडी है, अब दूसरे को भी मैंने वाइट कलर से पेंट कर दिया है। इस पर भी मैंने थोड़ा सा टेल्कम पाउडर मिलाकर ही किया है ताकि बरसात में डबल कोट करना ना पड़े। अब मैं इसके 0 नंबर के ब्रश से इस पर ब्लैक कलर से इसकी आंखें बना रही हूँ। अब आंखें मैंने देखिए किस तरह से बनाई है, मैं सोच रही हूँ इसको कुछ खरगोश का रूप देना चाहती हूँ। अब इसके कानों पर भी मैंने निशान लगा लिया है, अब मैं करूँगी इस पर कलर। इस पर पहले मैंने रेड और वाइट कलर मिला के इसको पिंक बनाया है, अब इसके कान में कलर कर रही हूँ। एक मैंने कलर कर लिया है, अब दूसरा भी करूँगी।
और इसी तरह मैं इसके कलर का काम पूरा करूँगी। खरगोश के दो छोटे छोटे दांत भी बनाए हैं जो हंसता हुआ बहुत ही सुंदर लग रहा है बनने के बाद। आगे आप देखिए, धीरे धीरे मेरा ये खरगोश प्लांटर बस बनके रेडी होने वाला है। देखिए अब इसका फाइनल लुक, आप बताइएगा कि आपको ये मेरे प्लांटर कैसे लगे। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना मुंडी हिलाते हुए, ऐसा लग रहा है कि हमें बुला रहे हैं आ जाओ आ जाओ। अब आप बताइएगा कि मेरे प्लांटर आपको अच्छे लगे कि नहीं, कॉमेंट ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।